सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ओरिया में बिजली का ट्रांसफार्मर पूर्व के स्थान पर ही लगाने और नहीं लगाने को लेकर पूरा गांव दो भागों में बट गया है। नतीजन पूरा गांव अंधेरे में है, साथ ही गेहूं सहित अन्य फसल भी पानी के अभाव में सूख रहा है। गांव में 1965-66 में बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया था। जिस जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ 2 डिसमिल बिजली विभाग के नाम से जमीन है, जो सरकारी रिकॉर्ड में भी अंकित है। गांव का एक पक्ष चाहता है कि दोनों ट्रांसफार्मर पूर्व की भांति उसी पोल पर लगे, जबकि दूसरे पक्ष के लोग पूर्व के जगह पर लगे ट्रांसफार्मर को हटाकर नाला के किनारे लगाना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 7-8 गांव का बरसाती पानी इसी नाला में बहता है। एक बार दुर्घटना घट भी चुकी है, जिसमें करंट से 7 भैंसों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रांसफार्मर की बेस कीमती 2 डिसमिल जमीन पर नजर लगी हुई है। ट्रांसफार्मर गांव के ही चौराहे पर लगा हुआ है और बिजली का तार सड़क को पार करती है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि ऐसी मंशा नहीं है और ट्रांसफार्मर हटाने से भी कोई नुकसान नहीं है। लेस्लीगंज से जयलेश प्रसाद की रिपोर्ट। मेरा सविता देवी, आप यहाँ वार्ड सदस्य हैं। हाँ। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं यही कि यहाँ से ट्रांसफार्मर वहाँ नहीं हटा जाए, वहाँ जाएगा कितना आदमी के क्षति हो जाएगा, कितना आदमी अति हो जाएगा। तो जब पूरे गांव वाले आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ से ट्रांसफार्मर हटे, तो आखिर बिजली विभाग ऐसा क्यों करता है? जब मेरा सरकारी जमीन यहाँ है तो वहाँ क्यों हटेगा? ट्रांसफार्मर का जो पोल है, ट्रांसफार्मर 1965-66 से गड़ा हुआ है यहाँ। अच्छा। और इसके नाम पर विद्युत विभाग के नाम पर 2 डिसमिल का डिमांड चलता है, 2 डिसमिल का जमीन है और इसका रसीद भी है। और आज ये है से कबाड़ना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर को, और कबाड़ करके ये बगल के पुलिया पुल के पास डालना चाह रहे हैं गड्ढा में, उसको वहाँ जो कि बाद में आए दिन में उसमें बिजली की तार गिरती है तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब बिजली की तार गिरी तो 7 भैंसें मर गई थी, और कल के डेट में यह भी हो गई। ये जो पुलिया में है जो कुंदरी फॉरेस्ट का सुरुआ राम सागर था, सभी जगह का कुंदरी का बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, बहुत तीव्र बहाव होता है, जिसके कारण ये ट्रांसफार्मर भी कबड़ के फटा जाएगा और बह जाएगा इसका पोल भी। उसके चलते एक बरसात का भी टिकाऊपन ये नहीं हो पाएगा, जिसके चलते हम लोग इसका ये कह रहे हैं कि पहले इस पर वहाँ गढ़वाल बना करके अच्छी तरह से सीमेंटेड PCC किया जाए, इसके बाद ये ट्रांसफार्मर का यहाँ से वहाँ किया जाए और पहले इस पर यथावत स्थिति में अभी ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया जाए।